चुन चुन के मैं सर आज कौन सी कंपनी लेकर के आए हैं आज आप बताइए सर। आपने कुछ इशारा करने की कोशिश की थी लेकिन तमाम दर्शक वेट कर रहे हैं। विपुल जी, बाजार में एक करेक्शन का मोड या मूड चल रहा है और एक जिसे कहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र, जो अक्सर छोटे निवेशक उस पर ध्यान देते हैं, उसमें एक दबाव सा बना हुआ है। तो जो नॉर्मल शेयर है वो रेकमेंड नहीं करके मैं एक अलग से हटकर एक शेयर रेकमेंड करना चाहता हूं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी है जिसकी जो होल्डिंग कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये दोनों का अमेलगमेशन बोलिए विलय बोलिए वो होना निश्चित है, अनाउंसमेंट हो चुका है और रेशो भी अनाउंस किया गया है कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के हर शेयर के लिए आपको 11.6 शेयर बैंक के मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप मौजूदा स्तर पर अगर ये शेयर खरीदते हैं जिसकी कीमत 565 566 के आसपास है, आपको जो बैंक के शेयर मिलेंगे जिसकी प्राइस करीब 57 रुपए के आसपास है, ये 57 के बदले में आपको 48.80 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी ये बैंक के शेयर खरीदने के लिए, अगर आप उसको उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज से लेते हैं। हालांकि मैंने एक स्टॉप लॉस भी दिया है आपको टारगेट प्राइस में ये शेयर के लिए रखने के लिए, बट वो सिर्फ एक सेफ्टी फैक्टर है कि कोई भी टारगेट दो तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, इस बैंक का जो अमेलगमेशन होना है वो हाल ही में होना है, एनसीएलटी की डेट भी आ चुकी है, तो ये एक अंग्रेजी की एक कहावत है, नो ब्रेनर है, इसमें एक पैसे मिल सकते हैं। और जो कई आपके जो व्यूअर्स हैं जो ये पूछते हैं कि अगर हम पैसा निकाल लेते हैं तो कहाँ डालें, ये एक जो कहते हैं सीधी साधी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सौदा होता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी होता है। ये आप फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ले लीजिए, आपको बैंक के शेयर में वो कुछ समय में बदलाव होकर जो लिस्टेड एंटिटी रहेगी एक्सचेंज में वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, और वो शेयर आप लगभग 17-18% आज के मौजूदा स्तर से सस्ता खरीदेंगे ये एक्सरसाइज कर। जी चलिए, तो उज्जवल फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की सलाह है 365 से 566 के बीच के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 625 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 541 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और IPO बाजार के लिए मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।